गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल नमितोलॉजी. और गाइस, कल राहुल ने जब आपको डॉग ब्रीड बैन का फैसला सुनाया था, तो उसके बाद कंफ्यूज होके हमें बहुत सारे लोगों के फोन आए कि राहुल भैया ने बोला कि वो नाराज हैं और वो आगे देख लेंगे. जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वो तो काफी अभी लोगों के फोन आए कि आपने हमारे लिए तो नहीं बोला, हमारे जिनके लिए तो नहीं बोला. गाइस, जिनके लिए बोला ना, वो समझ जाएंगे. ठीक है, उनको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने उन्हें टैग किया था और उन्होंने तब कोई भी साथ नहीं दिया. और एक इन्फ्लुएंसर ने तो बहुत बुरी तरह से ये भी बोला था राहुल की किसी एक रील पे, लेट्स टॉक K9 की, कि हाँ, इन कुत्तों को तो बैन कर देना चाहिए और तुम्हें तो शेम ऑन यू कि तुम सपोर्ट कर रहे हो इस चीज को कि इनको बैन मत करो एंड ऑल ऑफ दैट. तो समझदार को इशारा काफी होता है. बाकी जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था. ओनली फॉर दोज हु हैव यू नो ट्राइड टू पुल अस डाउन ड्यूरिंग द डॉग ब्रीड बैन, बाकी और किसी के लिए. बट हमने रिकॉग्नाइज भी किया, जैसे हमने अमन बुली को रिकॉग्नाइज किया क्योंकि हमने उसको सिर्फ एक बार जैसे टैग किया था एंड उसके बाद वो मूवमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था. दिव्य भी एक्टिव रहा, पुलकित वैम्प और हरप्रीत SGC, तो एवरीबडी वॉज वेरी एक्टिव एक्सेप्ट सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हु थिंक दैट दे आर वेरी बिग स्टार्स. तो बस यही, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं शिवाय को लेके स्केटिंग क्लास पे. बस मैं ही लेके जा रही हूँ आज राहुल को लेकर. आईसीयू पे जा रहे हैं क्योंकि ग्रैंड विटारा हमने बेच दिया है और जैसी उसकी फुल पेमेंट हो जाएगी हम उस कार को दे देंगे रिस्पेक्टिव ओनर को. बस यही अपडेट है गाइस. दूसरी गाड़ी हमने बुक तो कर ली है पर अभी मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि कौन सी बुक की है. बट इट्स एन ईवी कार गाइस. और हमें पहले ना, जो हमने ग्रैंड विटारा के ऊपर लोन दिया था, हमें पहले वो क्लोज कराना पड़ेगा और जब वो क्लोज हो जाएगा तो हम फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश तो यही रहेगी कि हम लोग अगले 7-8 दिनों में उस गाड़ी की डिलीवरी ले ले, बशर्ते हमें आगे से पैसे आ जाए ग्रैंड विटारा के, हम लोन क्लोज कर दें और नया लोन लेके हम ईवी की कार बुकिंग कर दी हमने अभी 20,000 रूपए दे के. बट अभी उसकी पेमेंट कैसे होगी, कैसे मैनेज होगी, कुछ नहीं पता. तो ईवी कार लेने का सिर्फ एक ही मकसद था गाइस, क्योंकि हमारी एवरेज नहीं निकल पा रही थी. हमारा जो सिटी ट्रैवल होता है डेली का, वो बहुत ज्यादा होता है. आप लोग खुद देखते हो, हम गाड़ी में रहते हैं सुबह 8 बजे जो शिवाय को छोड़ने जाते हैं, फिर उसके बाद लेने जाना, फिर क्लास कराना, फिर दिल्ली के ट्रैफिक में घंटों गाड़ी AC पे चलती रहती है. तो एवरेज मतलब डीजल पेट्रोल की गाड़ियां नहीं कर पा रही थी, हमसे हो ही नहीं रहा था. 3500 का पेट्रोल हमारा हर हफ्ते लग रहा था, विच इज नॉट यू नो वेरी मच गुड फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. आप महीने का 12-13 हजार का पेट्रोल नहीं डलवा सकते हो, और वो भी जहाँ पे आप कहीं किसी ट्रिप पे नहीं जा रहे, आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो. तो बस यही है कि अब चार्जिंग स्टेशन घर पे ही लगेगा, उसका कैसे होगा मेरे लिए खुद के लिए ईवी कार एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. तो मैं खुद ही बहुत कुछ सीखूंगी और आपके लिए ब्लॉग में भी सब कुछ दिखाऊंगी, सो देट आपको भी पता रहे कि आप कल को मन बनाओ ईवी कार लेने का तो कैसे कैसे होता है. तो फिलहाल तो यही, बस इसको लेके जा रही हूँ. आज थोड़ा घर में थोड़ा सैड सा इंसिडेंट हो गया और मेरी थोड़ी रोने वाली शक्ल है क्योंकि आज फिर कुछ गलत हुआ है मेरे साथ राहुल. चलो छोड़ो, पहले ही स्केटिंग कर लेती हूँ फिर बताती हूँ. Oh my God, भूख नहीं, इसको बहुत देर बाद लग, क्या हो गई थी, मिट्टी मिट्टी कैसे हो गई तू. तो गाइज, ये ना क्लोई आज ना ऑफिस से नीचे, हम लोग पूरा दिन ना थोड़ा बिजी थे क्योंकि यार डॉग ब्रीड बैन का फैसला हो गया और कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया, तो हम उसी की बातों में और उसी के उसमें लगे हुए थे. तो ये हम इसको नीचे नहीं लाए और दिशु भी ना ऑफिस बढ़ाते वक्त इसको नीचे नहीं छोड़ के गया. तो अब रात के देख लो कितने टाइम हो गया और ये मैडम अब आई है और ये लिटरली ना कंप्लेंट कर रही है और रो रही है कि देखो छुप रही, बात भी नहीं कर रही, कह रही कि क्यों मुझे इतनी देर से ऊपर रखा, तो मुझे घर क्यों नहीं लाए. मेरा चुनपू मुंटू, मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, मेरा बाबू, मेरा छोटे से बाबू, मैं किसी का दो. ये ना राहुल बास्केटबॉल खेल के आया ना, तो नी कैप सूंघ रही है राहुल की कि राहुल यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, नी कैप तो पड़े हैं. क्लोडू गुस्सा हो गई ना, हाँ गुस्सा हो गई है कि हम इसको लाए क्यों नहीं आज. क्लोडू पूरा ना उधर उस कमरे में भी घूम के आई कि शिवाय कहाँ है, शिवाय सो गया है, शिवाय को ढूंढने गई थी. हो शोर मचा रही, पूरा रो रही है, पूरा घर छान रही है कि ऐसा क्या था जो मुझे ऊपर ही छोड़ दिया. तेरी मिट्टी कहाँ से लगा के लाई है तू, इतनी गंदी हो गई है, तेरे को नाई नाई कराएंगे हम, नाई नाई करें कल,
मेरा पाला बेटा, मेरा पाला बेटा, मेरा पाला बच्चा, मेरी सोनी, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, हुई 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 नाराज हो गई थी है? हाँ ना, नाराज हो गई थी, मेरा गोला मेरे से नाराज हो गया था, मेरा पाला बेटा मेरे से नाराज हो गया था, नाराज हो गई थी मेरी गुड़िया। गोला, ओए मेरा गोला, ओ मेरा गोला मटोला, गोला ओ मेरा गोला मटोला, गोला ओ नीचे लेट गई है कि प्यार कर लो, कर लियो प्यार, कर लियो करिए और प्यार करो। ये मेरा बच्चा, ये देखो भाई कितनी प्यारी है, ये कितनी प्यारी है मेरी गुड्डी रानी, कितनी प्यारी है, इतनी प्यारी कैसे हो गई है ये? सिट सिट, अच्छा मम्मा प्यार करेगी, रसगुल्ली। हाँ कहाँ थी सारा दिन तू? गुंडों के साथ थी, ऊपर गुंडों के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ थी, मम्मा पापा के साथ थी। हाँ मेरा बाबू मम्मा पापा के साथ था, कहाँ कर रहा था मेरा बच्चा? गुस्सा कर रही है, बहुत गुस्सा आ रहा है इसको, भाग गई, शिवाय को देखने गई होगी, ढूंढ रही है। कहाँ गई क्लोई? पीछे क्लोई, क्लोडो पूरा घर छान रही, कौन कहाँ है, शिब्बू कहाँ है, शिब्बू सो गया है ना, क्लोई वो तो पूरा तहकीकात करेगी ना, क्योंकि शिब्बू नहीं दिख रहा उसको। आज हमारा क्लोडो ना हमसे नाराज हो गया, क्यों? क्योंकि आज गलती से हम इतना बिजी थे और इसको ना ऑफिस के रूम में ही इन्होंने लॉक कर दिया, और ये 5 बजे से रात के 9 बजे तक ऑफिस के रूम में थी, और ये आके इतनी नाराज की। पर वो रूम इतना ठंडा रहता है, इसको तो खुश होना चाहिए, एसी चलता है वहाँ पे, इसको लोग नहीं दिख रहे थे। हाँ मेरा बच्चा सॉरी, ये रो रही थी, पता अभी नीचे आई ना, मेरे को बोल रही थी कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे नीचे क्यों नहीं लाया, पूरी नाराजगी है। गुस्सा जरा तेरी आँख पे क्या है? अच्छा ये तो ब्लू आई है तेरी, गुस्सा आ रहा है, इनका भी तरीका है अपना ना, एंगर और एक्सप्रेशन का। तेरे भी ना नोज पे देख, वो देख वाला वाला, हाँ निशान रह गया है ना, तेरा मुंह भी लंबा निकल आया, बब्जी है ना ये, तो बब्बा जैसी बनेगी, अपने पापा जैसी बनेगी, इसकी शक्ल बिल्कुल बब्जी पे जाती जा रही है। अब इसको अच्छा लग रहा है, तुमने अपनी गलतियों की माफी मांग ली है ना, कान ऐसे कर ले, कान ना ऐसे होने चाहिए तेरे हमेशा, ठीक है? तू क्यूट है ना। गाइस यहाँ पे ना राहुल को क्लोई के ऊपर एक टिक नजर आया, तो मैं राहुल से पूछ रही थी कि अभी तो स्पॉट ऑन लगवाई थी हमने, जो 3 महीने की गारंटी थी उसकी, फिर कैसे हो गई इसको टिक? से 1 महीने की गारंटी थी, अरे 3 महीने ही होती है स्पॉट ऑन की गारंटी कम से कम, तो फिर तो खर्चो 8,000 रुपए, चारों को वो खिलाओ 2,000 रुपए वाली ब्रेवेक्टो टेबलेट, या पता है एक आधा डॉग हो ना तो बंदा खिला भी देगी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, चार चार को इकट्ठे खिलानी बड़ी मुश्किल है। हाँ ये ऐसी कर रही है बड़ी देर से। तो गाइज अभी आपने देखा था ना कि ये आई थी ऊपर से, तो कैसे बिहेव कर रही थी कि तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया था, नीचे क्यों नहीं लाया, अब देखो पूरी लंबी फैल गई है। और मुझे अब पता चला कि सन्नी दिशु ने इसको 5 बजे से ऑफिस के रूम में बंद करके चले गए थे, और आज हमारे घर में ना थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम मतलब उन्हीं चक्रों में फंसे हुए थे, तो हम जब ऊपर खाना खिलाने गए तो ये अकेली ऑफिस रूम में थी, और तो वहाँ पे एसी चल रहा था, पर इसको बहुत नाराजगी हो गई है, इसको बहुत नाराजगी हो गई है, बहुत ज्यादा। शक्ल देखना इसकी, हटना एक मिनट राहुल, शक्ल देखना है, ओए मेरा प्यारा बच्चा। ये क्लोई की भी अपनी जगह बन गई है हमारे घर में, है ना, सब अपनी जगह बना ही लेते हैं, मैंने देखा। और ये तो आने भी नहीं वाली थी, हाँ जबरदस्ती आ गई हमारे घर में है, और उसको प्यार करती है यार मेरे से, बहुत प्यार करती है। हाँ पर हम बाप से तो मिल सकते हैं ना, क्योंकि वो अभी भी वहीं मौजूद है। अभी मम्मी अभी हिम्मत नहीं है, ठीक है, बाप से मैंने बात की थी उनसे, ब्रीडर से, हाँ। तो वो कह रहे हैं आपने लेना था, बट नाउ ही हैज बिकम माय बॉय, तो अभी तो हम ले नहीं रहे, कोई नहीं, अब आगे जाके बाप का बच्चा भी तो होगा कभी। बाप का क्या, वो जो अभी रशिया घूम रहा है, अगर वो इंडिया आ सका, आएगा, इंपोर्ट बैन तो हट रहा है, इंपोर्ट बैन शायद लगेगा नहीं, अगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी है पूरी की पूरी, तो कर्नाटका में तो इंपोर्ट हो सकता है ना। हाँ कर्नाटका आ जाएगा वो, बिल्कुल सही कह रही है। तो इंडिया में तो कोई आसान मुश्किल थोड़ी कर्नाटका से दिल्ली या पंजाब कुत्ता जाना कोई। मेरा ना सिर्फ मैसेज ना लोगों को ना एक ही है, मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि ना गाइस
बी अ डॉग लवर, बट अपनी प्रायोरिटीज ना लाइफ में सेट करना। मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रीट डॉग खराब है या ब्रीड डॉग अच्छे हैं, ब्रीड डॉग खराब है स्ट्रीट डॉग अच्छे। आप ना ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर ना सबकी हेल्प करो, और जो आपका मन करता है ना आप लोग, ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट डॉग को घर मिलेगा तो ब्रीड डॉग हटाओगे, ब्रीड डॉग को भी घर मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आप अपनी मर्जी से ना जो आप चाहते हो आप ले सकते हो, चाहे आप स्ट्रीट डॉग लो तो भी भगवान आपको आशीर्वाद देगा, अगर ब्रीड डॉग लोगे तो भी आपको आशीर्वाद देगा। तो जो लोग आपको ये बता रहे हैं ना कि स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट डॉग, हेल्प विद देम, ठीक है, वो लोग ना सिर्फ एक साइकोपैथ थिंकिंग पे चलते हैं कि स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट डॉग ही। और इवेंचुअली जब मैं उनके कर्म देखता हूँ ना, वो इतने बुरे कर्म करते हैं ना, खाने के, हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए एनजीओ खोले हुए हैं उन्होंने, पैसा कलेक्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और मुझे ना आज तो एक बहुत फेमस है वो, उसकी रील देख के ना मुझे लगा कि यार इस बंदे को ये तो पढ़ा लिखा लगता है, तो अनफॉलो कर दिया, कर दिया ना मैंने भी, अब कभी भी नहीं जाऊंगी कोलैबोरेशन के लिए, मैं भी नहीं जाऊंगा, नेवर, मैं कभी भी उस जगह नहीं जाऊंगी, मैं नफरत है उस आदमी से, मतलब कुछ हेट फैला रहा है, ठीक है। मैं कहती हूँ सब ब्रीडर एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो लाइसेंस लीगर है, जो बड़े ब्रीडर्स है, और बात बताओ जो जिससे हम बाप लेने वाले थे, वो ब्रीडर तुम्हें, मतलब उसके लिए तुम नीच वर्ड कभी भी लाइफ में यूज कर सकते हो? वो ना इतना पढ़ा लिखा क्लासी बंदा है, वो शौकिया बंदा है, मतलब उसके पास इतने एकड़ की जमीन है, ठीक है, पुश्तैनी, एंड ही लिव्स अ वेरी लेविश लाइफस्टाइल। मैं वो नहीं कह रहा कि उससे क्लास आ जाएगी, बट द वे ही हैज केप्ट हिज डॉग्स, उसके पास 18 डॉग्स हैं, 18 कुत्ते हैं, ठीक है, और आप हर एक कुत्ते को देखो, हर एक चैंपियन है, ठीक है। और उसके लिए उसने 6 बंदों का स्टाफ रखा हुआ है, हर 3 डॉग के ऊपर एक बंदा है, उनको एसी रूम्स दिए हुए, नेचुरल एनवायरनमेंट दिया हुआ है शिमला के अंदर, शिमला के अंदर प्रॉपर्टी मिल, कोई रखता है कुत्तों को उस पर? क्यों? क्योंकि टूरिस्ट है, पैसा है, कमाओ ना, वो क्या कमा रहा होगा उससे? कुछ नहीं, उसको शौक है, राहुल, शौक है, बट लोग इतना डीमीन करते हैं, कहते हैं रील में क्या कह रहा है, नीच ब्रीडर्स, नीच नीच, अरे तू पपी मिलर्स और इलीगल ब्रीडर्स को बकवास करना, तू लाइसेंस बंदों को, तुमने इसका मतलब जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है भाई, अभी वेट कर, ये जो एसोसिएशन है ना, ये अब जाके इकट्ठी हुई है ब्रीडर्स की ना, ठीक है, अभी ये सबको कुत्ता खदेड़ेगी, देखिए इनका कुत्ता खदेड़ेगी, वो कहते हैं ना भाषा के अंदर कुत्ता खदेड़ना, ठीक है, अभी डिफेमेशन का केस जाएगा उसके अगेंस्ट, वो बस वेट करे उसकी, तो मैं देखना था, इतने पढ़े लिखे हो के तुम, अरे सोसाइटी को तुम्हें किसने कहा पढ़ा लिखा है, लगता भी नहीं है मुझे, साला हद हो गई, गलत मैसेज मुझे ऐसे लोगों से, और पता है उस रील में कैसे वर्ड्स यूज कर रहे, छोटी छोटी जाती, तो मन्नी गोरी लड़की, तू पता है क्या, वो लोग ना पता है क्या है उनके घर में, तो तुम मैसेज ही देना चाहते हो कि छोटी जाती गलत है, गोरी लड़की अच्छी है, मतलब तुम बातें खुद ही नीच वाली कर रहे हो, और उसके बाद फाइल कर दे उसके अगेंस्ट, मैं हमारी यूनियन में बात चल रही है, हम अपने आप देख लेंगे भाई, करो, मैं तो कह रहा हूँ जो तुम्हारे रास्ते में हटा दो, इस रास्ते की बात ही नहीं है, जो गंद फैलाएगा, और गाइस हम ना ब्रीडर नहीं है, बात समझो, ठीक है ना, पर हम जानते उठते बैठते हैं उन लोगों में, हमें पता है यार वो अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, सब गलत नहीं है, और आपने हमें भी देखा है, ठीक है ना, ओली के नेचुरल पपीज हुए थे आपके सामने, हर दिन हमने कैसे पाला, हमारे रातों की नींद खराब हो गई, आपको क्या लगता है कि हमने जो छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट लिया है, अरे उससे ज्यादा तो हमने लगा दिया, और जहाँ जहाँ बच्चे गए हैं, ठीक है, देखा मंदिर में बैठा हुआ है, उसकी भी आई हुई थी, गब्बर की भी रील आई हुई है, ये देखो मैंने सबको मैसेज किया, ये देख, और वो इतने खुश हैं, सारे के सारे, ये गब्बर की रील आई हुई, ये देख गब्बर, ठीक है, ये देख ये बैठा हुआ सोफे पे, हैं तो ये देख तू, और ये देख पिछली बार तुम्हें बच्चे की ट्रेस हो रहे थे, याद है? हाँ, अब ठीक है, ये मैंने इनको बोला ये भेजो ना भाई, और पिछली बार जो तुमने दिए थे ऐसे ही बिना पैसों के, वो बच्चे ही नहीं मिल रहे, उन्होंने आगे बेच दिए, सालों ने बेच नहीं दिए, और ऊपर से साले फोन नहीं उठाते, ब्लॉक कर दिया, कितने नंबरों से तुम करोगे? हाँ वही तो, ठीक है, ये कह रहे थे ना फ्री में दे दो लोग, भैया कभी भी किसी डॉग को फ्री में मत देना, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जो स्ट्रीट डॉग्स है ना, वो तो चलो भगवान ने उनको स्ट्रीट पे पैदा किया है, जो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं वो भगवान है उनके लिए, बट जो ब्रीडर्स फ्री में डॉग दे देते हैं ना अपनी मेहनत करने के बाद भी, अरे उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट रखो यार, पूरी जिंदगी लगाते हैं वो अपनी एक पेडिग्री को इतना अच्छा बनाने में,
और लाइसेंस से लो ना, मुझे पता है कि लोगों की मेंटेलिटी, आप भी मुझे कमेंट्स आते हैं, मेरे को 5,000 रुपये का रॉटवाइलर मिल रहा है, क्यों लेते हो 5,000 का, क्यों? क्योंकि उसने घर में कराए, खाने को कुछ दिया नहीं होगा, बच्चे हुए, 5,000 में बेच दो, सुनो मेरी बात, अपनी जान छुड़ाओ, अपनी जान छुड़ाओ, ठीक है? जो ब्रीडर आपको 90 दिन के बाद देता है, 90 दिन तक खर्चा पता है कितना हो जाता है एक डॉग के ऊपर? 3 वैक्सीनेशन का खर्चा ही आप लगा लो 4,000 रुपये का, अगर प्रॉपर अच्छी वैक्सीनेशन, उसके बाद जो उसका 90 दिन तक की डाइट होती है, मदर के साथ रखना, ठीक है, मदर की डाइट, क्योंकि दूध बनता है ना, आप ये लगाओ, आप एक डॉग के ऊपर 20,000 रुपये, हमारा सेरेलैक का डब्बा सिर्फ एक या दो बार चलता था, वो 200 रुपये वाला दिन, एक या दो बार में, है ना, तो हमने कितने 10-15 दिन खिलाया, ऐसी बात नहीं है, और मेहनत तो, और जो मेहनत की तो कोई कीमत ही नहीं है, और हमने जहाँ बच्चे दिए ना सारे अच्छे घरों में गए हैं, एंड तेरे को तो मैं इनकी दिखाता हूँ, मम्मी तो बिलीव नहीं करेगी, इसको देख तू, अविनाश है जो हमसे लेके गया, ये देखो, ये देख, ये भल्लाल है, ये कैसे घूम रहा है भल्लाल की बॉडी देख रही है तू, ठीक है, इन्होंने इसका नाम चेंज करके गब्बर कर दिया, ठीक है, ये देखो इसने मेरी वीडियोस देखी है, ठीक है, इन्होंने मुझे अपना वो भी बताया, ये देखो जरा, हेलो भल्ले, अच्छा सुंदर है यार ये तो, सही में बहुत अच्छा हो गया, इसका मुंह बहुत अच्छा चौड़ा निकला, बब्जी जैसा, सही बहुत बब्जी जैसा यार, तो सेम टू सेम, ठीक है, और ये देखो, सही है, ये देखो क्या क्या खिला रहे हैं, ये देख, रॉयल कैनिन, ठीक है, रॉटवाइलर वाला स्पेसिफिक, ये उसको मल्टीविटामिंस जा रहे हैं, ये देख सारे के सारे अच्छे से रख रहे हैं ना राहुल, तो हमने कोई डिसीजन गलत नहीं लिया भाई, हमने बहुत अच्छे घरों में दिया, ये देखिए ऊपर छत पे खेल रहा है, ये देखो क्या मजेदार है, तो गाइस ऐसा नहीं है, आप डॉग लेना चाहते हो ना, सर्च करो ब्रीड के बारे में, अच्छे डॉग्स लो, अच्छे ब्रीडर से लो, 12 साल का कंपेनियन है कम से कम आपका, उसको इतना प्यार हो जाता है ना, लोगों को अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा प्यार करते हैं उनसे, तो अच्छा लो ना, और पैसे दो उस चीज के लिए, क्यों? क्योंकि उनके घर नहीं चलाने अपने ब्रीडर्स यार, हम बच्चा भी डिलीवर करने जाते हैं ना हॉस्पिटल, हम बच्चा अपना खुद का पैदा, अपने खुद का स्पर्म और एग का बच्चा पैदा करके जब हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल वाले बिल देते हो ना, या कह रहे हो फ्री में डिलीवर कर दो, हर चीज की कॉस्ट तो होती है ना, कि नहीं, सर्विसेज की तो कॉस्ट होती है, मैं कहती हूँ बच्चे की कॉस्ट नहीं है, वो तूने बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे कॉस्ट बच्चे की नहीं होती, कॉस्ट सर्विस की होती है, अब डॉक्टर को कहोगे यार फ्री में निकाल दे तो घर पे ही निकाल लो, क्यों जाते हो हॉस्पिटल, तो इसका मतलब कि डॉक्टर ने तुम्हें बच्चा बेचा है, नहीं, डॉक्टर ने तुम्हारा बच्चा डिलीवर किया है, वैसे ही ब्रीडर बच्चा डिलीवर कर रहा है, बेच नहीं रहा, मेंटालिटी इंडिया में बहुत चेंज करने वाली है, मुझे बहुत एडुकेशन फैलानी पड़ेगी, मुझे पता है, वी विल डू इट, डोंट वरी, वी हैव टू डू इट, चलो ज्ञान ज्यादा हो गया, उसको छोटी को भी खाना दे दो, उसका बस भीगा हुआ है, अब चलो यहाँ से चलते हैं, वो देखो वहां सो गई, उसको भी इतना कम्फर्ट मिल रहा है ना, कह रही कहाँ थे तुम लोग, चलो चले।